सो गाइस, आज का मिशन होने वाला है कुछ ज्यादा ही खतरनाक, क्योंकि आज हम करने वाले हैं एक ट्रेन की चोरी। हमें पता चला है कि इस ट्रेन में ले जाया जा रहा है बहुत सारा सोना हमारी आंखों के सामने, और यह ये जो ट्रेन है वो काफी दूर है इस शहर से, और हम फ्रैंकलिन से बात करते हैं कि हम कैसे चोरी करेंगे। इसलिए मैंने फ्रैंकलिन को भी साथ में बुला लिया है, क्योंकि हम और फ्रैंकलिन साथ में चोरी करेंगे, उसके बाद हम पैसे को आधा आधा बांट लेंगे, क्योंकि फ्रैंकलिन भी मेरी मदद करेगा इस चोरी में। तो मैं यहाँ पे पहुँच जाता हूँ और मेरे पीछे पड़ जाती है पुलिस, और यही कहीं डिजर्ट में ही ये ट्रेन जाने वाली है, और मुझे शहर से पहले इस ट्रेन को चोरी करना पड़ेगा। अगर ये शहर में डिवर्ट जाती है तो पुलिस हमें छोड़ेगी नहीं। तो यहाँ पे फिलहाल मुझे दो पुलिस ने घेर लिया है, पता नहीं किस लिए यार, और फ्रैंकलिन है जो कि मेरी मदद करने के लिए हर बार फायर कर रहा है, जिससे यार पुलिस मेरा पीछा ही छोड़ ही नहीं रही। अब यहाँ से मैं सोचता हूँ कि यही कहीं पर मैं रुक जाता हूँ, क्योंकि यार अभी हमें चोरी भी करनी है, अगर मैं पुलिस से नहीं बच पाया तो कैसे चोरी कर पाऊँगा। तो यहाँ पर मैं थोड़ी देर रुक के वेट करता हूँ कि यार पुलिस हमें छोड़ दे, क्योंकि तुम स्टार्स देख रहे हो कि जल्दी हमें छोड़ देंगी, तो इसलिए मैं थोड़ा यहाँ पर रुक जाता हूँ। उनके रुकते ही अगर ये पुलिस हमें छोड़ देगी तो हम चलेंगे चोरी को अंजाम देने, क्योंकि चोरी में जान इतने ज़्यादा दिक्कत होगी। तो यहाँ से मैं चलता हूँ, क्योंकि यार तुम्हें पता है वो डिजर्ट में है, यहाँ से काफ़ी दूर है शायद से, और मैं कार से तो जा नहीं पाऊँगा, क्योंकि कार की हालत थोड़ी डैमेज हो चुकी है, और ट्रेन का पीछा करने के लिए वो जो ट्रैक है गाइस वो सिंगल ट्रैक है। अगर मैं कार लेके जाऊँगा तो मैं ट्रेन से आगे निकल नहीं पाऊँगा, इसलिए मैं यहाँ से फटाफट से चलता हूँ, एक बाइक की तलाश करता हूँ। और यहाँ पर मुझे पुलिस ने भी छोड़ दिया है, तो यहाँ से मैं कहता हूँ फ्रैंकलिन बैठे जल्दी से, और फ्रैंकलिन के साथ चलेंगे, बाइक का पीछा करेंगे, बाइक मतलब लेके तभी चोरी करने चलेंगे। मेरे पास गन उन तो सारी गन थी, फ्रैंकलिन भी गन उन लेके रेडी था, और यहाँ मिल जाती है हमें एक बाइक, और यार यही वाली बाइक लेके चलेंगे ट्रेन के पास, और ट्रेन का करेंगे रूटीन। जल्दी से फ्रैंकलिन को मैं बैठा लेता हूँ, फ्रैंकलिन जल्दी आके बैठ जाओ, क्योंकि ट्रेन के आने का समय हो चुका है, और अभी तक हम प्लेटफॉर्म पे ही नहीं पहुँचे, वहाँ पर पहुँचे ही नहीं। मैं जल्दी से यहाँ फटाफट से चल देता हूँ, मैं और फ्रैंकलिन यहाँ पे बैठ चुके हैं बाइक पे। यार मुझे रास्ता याद ही नहीं आ रहा कि कहाँ पे वो ट्रेन आने वाली है, यहीं कहीं पे उन्होंने बताया था कि वो ट्रेन आएगी। यहाँ से मैं सोच रहा था यार किसी रास्ते में यहीं कहीं पहाड़ से ही जाना था, मैं थोड़ा थोड़ा रास्ता भूल रहा था, पर यार तभी मुझे याद आ जाता है कि यार उसने मुझे कॉल करके बताया था कि यहीं पे ट्रैक जाने वाली है, यही ट्रैक पे ले जाया जाएगा सबसे ज़्यादा सोना, और मैं यहाँ पे उस ट्रैक को ढूंढ रहा था कि आखिर ये ट्रैक है कहाँ। बहुत गाइस बहुत दूर है, तब जाके मुझे पता चला गाइस ये ट्रैक इधर ही है, ये शहर से थोड़ी दूर पे था, मुझे ढूंढने में थोड़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, पर मुझे गाइस पता चल गया था वो ट्रैक है कहाँ। तो मैं माइकल के साथ जल्दी से ट्रैकिंग, माइकल जल्दी से उस ट्रैक पर पहुँच जाते हैं, और गाइस अभी तक ट्रेन ही नहीं आई थी, गाइस ट्रेन आगे निकल चुकी थी, मेरे पीछे थी, मुझे कुछ नहीं पता था, पर मैं ट्रैक कुर्सी पर चल रहा था कि जल्दी से ट्रेन आ जाए, और मुझे क्योंकि यार तुम्हें पता है कि यहाँ पे सोना आ रहा है, तो यार मैं यहीं पे कहीं वेट कर रहा हूँ ट्रेन का, अगर ट्रेन आती है तो। यहाँ पे गाइस फ्रैंकलिन ने गाइस एक काला हिरन बनाती है, तो ये तो पूरा सलमान भाई बन रहा था। अब यार यहाँ पे मैं वेट करता हूँ ट्रेन के आने का, क्योंकि ट्रेन में ही सारा पैसा रखा है, और ट्रेन को गाइस रोकने के लिए हमने प्लान बनाया कि पहले उस ड्राइवर को मार देंगे और ट्रेन अपने आप रुक जाएगी। सो गाइस यहाँ पे काले हिरन को मार दिया फ्रैंकलिन, बहुत गंदा बच्चा है गाइस, ऐसा उसे नहीं करना चाहिए था। तो यहाँ पे हम वेट कर रहे हैं गाइस, वहाँ पर ट्रेन निकल चुकी है, जल्दी फ्रैंकलिन बैठ जाएगा हमारे साथ, फ्रैंकलिन जल्दी बैठेगा ट्रेन निकल जाएगी, ट्रेन में ही तो सारा सामान है। यहाँ मैं ट्रेन का पीछा करता हूँ, गाइस ट्रेन देख रहा हूँ कितनी तेज़ी से जा रही है, और मुझे इसी इलाके में उसे ढूंढना पड़ेगा, अगर मैं शहर में पहुँच जाएगा गाइस ढूंढो तो टनल के अंदर चला गया, पर कोई दिक्कत नहीं, अभी हम टनल में से उसे मार देंगे, और यहाँ शहर में पहुँचने से पहले ही हमें ये ट्रेन ढूंढना पड़ेगा। गाइस वो देखो गाइस वो ट्रेन जा रही है, मैं इस पर गोलियाँ फायर कर रहा हूँ मैं और फ्रैंकलिन, पर यार गाइस ये रुकी नहीं रही ट्रेन, जल्दी से मैं फटाफट से आगे जाता हूँ। अच्छा हुआ मैंने बाइक लिया था, अगर कार नहीं होती गाइस देख लो कितनी ज़्यादा पतली ट्रेन की प्लेटफॉर्म है, और यहाँ पे मैं चलने में थोड़ी दिक्कत हो जाती अगर मैं कार नहीं आ रहा था, तो यार यहाँ पे जगह थोड़ा सा भी नहीं था, ठीक है स्पेस मिल चुका है, जल्दी से मैं जाके ट्रेन के ड्राइवर को मार देता हूँ, वरना यार गाइस ये ट्रेन रुकेगी नहीं, और इसमें से जो सारा सोना गाइस देख लो
ट्रेन में सोना ले जाने के लिए इन्होंने कैसे ट्रेन का यूज किया। तो यहाँ से मैं फटाफट से ट्रेन के डिब्बे के आगे पहुँच चुका हूँ। यहाँ पे मैं पहुँच चुका हूँ, यहीं पे गाइस वो ट्रेन चलाने वाला होगा। फटाफट से हम इस पर फायर करेंगे कि ये ट्रेन रुक के, वरना यार कितनी ज़्यादा दिक्कत हो जाएंगी। तो यार मैं इस पर से फायर कर रहा हूँ, मैं और फ्रैंकलिन, पर गाइस ये रुक ही नहीं रहा। गाइस फाइनली मैंने ट्रेन के ड्राइवर को मार दिया। गाइस अब तो ट्रेन रुक जाएगी, ट्रेन की स्पीड भी स्लो हो गई, तुम देख रहे हो, मतलब ट्रेन रुक जाएगी। अरे भाई साहब, ये ट्रेन रुकने के बजाय और तेज हो गई, मतलब ट्रेन का ड्राइवर मर चुका है गाइस, तब भी ट्रेन चल रही है। गाइस ये क्या हो रहा है? हमने सोचा था कि ट्रेन रुक जाएगी, यार ये ट्रेन चल कैसे रही है? और यहाँ पे पुलिस भी हमारा पीछा करने लगी फिर से। यार इसे मैं ट्रेन को रोकूँ कैसे? तो गाइस मैं सोच रहा हूँ कि मैं आगे जाके, ओ भाई 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 ये क्या हो रहा है? अब मैं गाइस करता हूँ कि मैं ट्रेन के आगे जाके यहाँ से रॉकेट लॉन्चर से इसे उड़ाऊंगा। आपको मुझे कहीं, ये ट्रेन का ड्राइवर मर चुका है, तब ये ट्रेन आखिर चल कैसे रही? कहीं ये भूतिया ट्रेन तो नहीं है? तो यहाँ मैं ट्रेन के आगे जा चुका हूँ, यहीं पर कहीं गाड़ी को पार्क करते हुए मैं इस पर 3-4-5 रॉकेट लॉन्चर मारूंगा, तब जाके ये ट्रेन मेरे हिसाब से रुक जाएगी। तो भाई इस पर तो रॉकेट लॉन्चर का कोई फर्क नहीं पड़ रहा गाइस, हमें लगता है ये पता चल गया था कि यहाँ पर होने वाली है चोरी। अभी देख रहा हूँ गाइस ये शहर में पहुँचने वाली है, और अभी तक मैं इसे रोक नहीं पाया। तो यार मैं फ्रैंकलिन के साथ जल्दी से कहता हूँ, बैठो फ्रैंकलिन, अब हम चलते हैं यार ट्रेन को रोकने के लिए। यार मैं सोचा था कि यार ये वाली मिशन कंप्लीट हो जाएगी, पर यहाँ पे ये गाइस क्या ही हो रहा है? ये ट्रेन तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। अब मुझे तो नहीं लगता यार ये वाला मिशन, अरे यार ये कैसे ट्रेन को रोकूँ? यहाँ पे मैं ट्रेन को रोकने के लिए क्या करूँ? ओ गाइस फ्रैंकलिन इंजर्ड हो गया गाइस इस ट्रेन के। गाइस ये क्या हो गया? फ्रैंकलिन कुछ ज़्यादा इंजर्ड हो गया। अब जल्दी से पहले, तो यार फ्रैंकलिन को क्या हो गया गाइस? फ्रैंकलिन यार ये मेरी मदद करने आया था, और मैं यहाँ पे गाइस हॉस्पिटल से फ़ोन करके इसे बुला देता हूँ। इस ट्रेन वाले को गाइस अब बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आ रहा है मुझे, मैं ट्रेन वाले को छोड़ूंगा नहीं गाइस। अरे यार भाई फ्रैंकलिन को, भाई फ्रैंकलिन को मार दिया। ये ट्रेन वाला भी बहुत ज़्यादा आगे निकल चुका है, मैंने एम्बुलेंस को फ़ोन कर दिया, वो फ्रैंकलिन को लेते जाएंगे उसको हॉस्पिटल और उसका इलाज कर देंगे। पर गाइस इस ट्रेन वाले ने बहुत बुरा किया इसने गाइस, गाइस अब मुझे बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आ रहा है, क्योंकि यार फ्रैंकलिन मर चुका है, मरा गया है मतलब घायल हो चुका है, ये यार मुझसे देखा नहीं जा रहा है। यार फ्रैंकलिन मेरी वजह से घायल हो चुका है गाइस, और ना मुझे सोना मिला, और ये दूसरी कोई ट्रेन आ रही है जो कि एकदम खाली है, पर यार मेरा फ्रैंकलिन। तो गाइस अभी मैं फ्रैंकलिन को कॉल कर, गाइस ये वाली ट्रेन भी यार बहुत ज़्यादा ही दिक्कत दे रही है ये ट्रेन तो। सो गाइस अभी मैं सोच रहा हूँ फ्रैंकलिन को कॉल करके यार उससे बात करूँ कि वो कैसा है, क्योंकि यार मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, तो पुलिस मेरे पीछे भी पड़ चुकी है। ये मतलब गाइस ये वाला मिशन कंप्लीट भी नहीं हुआ, ऊपर से तो पुलिस मेरे पीछे पड़ चुकी है, और यार फ्रैंकलिन का यहीं पर मैंने जो छोड़ा था, मतलब यहाँ पे एम्बुलेंस आके उसे ले के चली गई है। अब मैं यहीं पे उसे रुको फ्रैंकलिन को कॉल कर लेता हूँ और उससे पता कर लेता हूँ गाइस अगर ठीक हो तो ठीक है। और गाइस जैसे मैं फ्रैंकलिन से बात करता हूँ, तभी गाइस कुछ ऐसा होता है। जब मैंने फ्रैंकलिन से बात की तो फ्रैंकलिन ने कहा वो ठीक है अब, पर गाइस ये थी कि जैसे ही मैंने फ्रैंकलिन से बात की तभी मुझे अमेंडा का कॉल आता है, और शायद से उसे पुलिस ने अरेस्ट कर लिया गाइस। अब मुझे जाना पड़ेगा अमेंडा के पास और अमेंडा को बचाना पड़ेगा, क्योंकि उसे पुलिस ने पकड़ लिया, और ये नहीं मुझे नहीं पता यार उसे पुलिस ने क्यों पकड़ा है। अब ये सब मैं बताऊँगा आपको अगले पार्ट में। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो यार गाइस अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और जितना ज़्यादा हो सके उतना लाइक करो। मिलते हैं तब तक अगली वीडियो के लिए, बाय बाय। फिर अमेंडा का कॉल आ चुका है, मैं अपना उससे अमेंडा से मिलने जाता हूँ। अगले पार्ट में मैं बताऊँगा कि अमेंडा के साथ क्या होगा। मुझे अब दिक्कत